बहुत ही ऑसम लग रहा है यार, मतलब इतना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जितना ही डिफिकल्ट लग रहा होगा ना उतना ही इजी है, बट मुझे बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को कंप्लीट करते करते। ओके गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। ओके, इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज यू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं फाइनली आ गई हूँ वॉइस ओवर में। काफी दिनों बाद एक वीडियो शूट की थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लोटस प्रोफेशनल वाली ये क्रीम है, बहुत अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर देती है। मेकअप करने से पहले ना मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अच्छे से फिर लगा रही स्टे कोर्की का प्राइमर ऑयल। अगर विंटर से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है ना, आप ये वाले स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई करो। ये लोटस के प्रोफेशनल वाली भी ट्राई करना, काफी अच्छी है। मतलब कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस ये वीडियो, जस्ट मैं आपको अपने मन से बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी है। ये जो मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, इसमें अगर मैं बोलती हूँ ना कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा होता है। और जो स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है वो तो आपको पता ही चल जाती है कि वो कौन सी है। अच्छे से मैंने यहाँ पे फेस को मॉइस्चराइज किया, थोड़ा सा स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दिया करो। इकट्ठा प्रोडक्ट लगाते ही मत जाया करो, ठीक है। उसके ऊपर मैंने क्या किया, जस्ट ग्रीन कलर को, आई शेडो को लगाया, ग्रीन और स्काई ब्लू मिक्स करके, ठीक है। अगर आप सोचो कि आप कलर करेक्टिंग करो, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लाइक वो ना कंसील फिर फाउंडेशन में मिक्सअप होने लग जाता है, उससे फिर कवर अप नहीं होते दाग धब्बे। इस तरह से मैंने बहुत इजीली ट्रिक एक बता दी, आप ये कलर अप्लाई कर लो, दैट्स इट, सब गायब। अच्छे से मैंने क्या किया, ब्लेंड कर लिया। मेबलिन और पर्पल का माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, आप सबको पता होगा अगर आप लोग मेरी वीडियो रोज देखते हो तो। वैसे रोज मैं डालती नहीं हूँ, फिर भी अगर आप लोग देखते होगे तो। अच्छे से मैंने मेबलिन का फाउंडेशन था ना, उससे मैंने क्या किया, अपने डार्क सर्कल वगैरह सब कवर अप कर लिए, बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर में सेटिंग स्प्रे डाल के और अच्छे से डैब डैब कर लिया है अपनी अंडर आई वगैरह, क्योंकि अभी मैंने ब्रश से किया था, ब्रश से कुछ भी को लाइंस आ ही जाती हैं यार, मेरे से नहीं होता, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर ही लेती हूँ, हल्का सा कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर ना आजकल मैं क्रीम कॉन्टोर, मतलब दीवानी हो गई भाई, नया नया करने का ट्राई करती रहती हूँ कुछ भी। तो क्रीम कॉन्टोर किया, जस्ट उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। कॉन्टोरिंग हम लोग इसलिए करते हैं ना, जो हमारा चबी चबी सा फेस होता है ना, थोड़ा सा पतला दिखता है, उसको थोड़ी सी डायमेंशन मिल जाती है, चिजल लगता है, बहुत ज्यादा वाइट वाइट सा नहीं लगता है। अच्छे से मैंने रेने कॉस्मेटिक के ये था पाउडर, था लूज पाउडर, उसको अच्छे से मैंने लगा लिया। इसका भी ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है कि कैसे आप सेट करो अपनी अंडर आईज वगैरह बेस को, सो वो भी आप जाके जरूर चेकआउट करना।
आईब्रोज फिल कर ली है, पर्पल की पैलेट थी, काफी अच्छा शेड है इसमें, एक ब्लैक आता है और एक ब्राउन आता है, तो मैं तो ब्राउन से ही करती हूँ। फिर जो भी एक्सेस पाउडर था इसको जितना सोखना था ना सोख दिया है, और ये वाले पाउडर से ना काफी अच्छा मेरा मतलब मेरा फेवरेट है ये, के ब्यूटी से भी ज्यादा मतलब फेवरेट हो चुका है ये वाला मेरा पाउडर, सेटिंग पाउडर बहुत अच्छा है, मतलब के ब्यूटी से ज्यादा मैं इसकी फैन हूँ। मनीष मल्होत्रा वाला मैंने आई शेडो पैलेट लिया, उसमें मैंने एक पॉइंटेड ब्रश लेके बेबी पिंक सा न्यूड वाला शेड लिया और उसको जस्ट मैंने अपनी क्रीज लाइन में लगाया है। मेकअप बाय इन कलर की इनसाइड को नहीं, मेकअप बाय इन कलर की ये है, इन कलर पैलेट है, मतलब इन कलर इसका ब्रांड था, मिंत्रा से मैंने ली थी। मेरा फर्स्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तब उसमें मैंने यही दिखाया था, यही वाला पैलेट। सो मैंने उसको लगा लिया क्रीज लाइन में और उसको फिर एक फ्लफी ब्रश से, फ्लफी क्या मतलब एक ब्लेंडिंग वाला ब्रश था, उससे मैंने ब्लेंड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या ले रही हूँ, एक एक मतलब फ्लैट ब्रश लिया, उसमें मैंने सिल्वर कलर लेके और उसको अपने हाफ लिड में लगा लिया है, ठीक है। कोई भी मैंने कंसीलर नहीं लगाया, कुछ नहीं, डायरेक्टली अप्लाई किया है। बेबी पिंक कलर लेके हल्का से स्मच कर ली हूँ, लोअर लाइन में भी मैंने पर्पल कलर स्मच कर लिया है अच्छे से, और आईज के कॉर्नर में मैंने सिल्वर कलर लगाया क्योंकि मैं काजल नहीं लगा रही थी, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी काजल नहीं चाहिए था, बिकॉज ड्रेस ऐसे वेस्टर्न टाइप की थी ना, सो आई वॉज लाइक ठीक है यार काजल नहीं लगाते हैं। पतला सा मैं लाइनर लगा रही हूँ, बिल्कुल पतला सा, और बेसिस कैनेडा का आई लाइनर था। आई लाइनर लगाने का मुझे ना आई लाइनर थोड़ा कम पसंद आता है, मतलब ऐसे सब लुक्स में। मस्कारा लगाऊंगी, मेरा फेवरेट नायका का मस्कारा, बहुत ही अच्छा है, हाइपर कल वाला है, नहीं बहुत ही अच्छा है, मतलब मस्कारा इसका जो एप्लीकेटर है ना वो भी काफी अच्छा है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आई लैशेस लगा लूंगी। आई लैशेस है कैलालिस की, बहुत अच्छी है ये ना, मैंने पूरा 9 या 10 का सेट मंगाया था, सो उसमें आपको एक ही ग्लू मिलेगी। ऑलमोस्ट मेरी ग्लू ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है यार, ऑलमोस्ट मुझे ग्लू भी मंगानी है, ऑलमोस्ट मैंने 4 बार बोल डाला। अच्छा, लैशेस लगाने के बाद ना लुक बिल्कुल ही अलग हो जाता है, बिल्कुल ही। एनवाई बेकर मैंने कंटूर वाला लिया, ब्रॉन्जर छोटा सा छोटू सा आता है 150-200 का, वो लिया, उससे अच्छे से अपना चीक बोन्स को मैंने कंटूर किया, फोरहेड को कंटूर किया, जॉ लाइन को। हाँ, ये वाला ब्रश तो देखो, ब्लश देखो, ओ माय गॉड, मैंने बस टच किया, मैंने फर्स्ट टाइम निकाला होगा ये वाला ब्लश लगाने के लिए, मतलब यार वर्थ ही प्रोडक्ट यार, किसी को अगर चाहिए ना बिल्कुल ही पिगमेंटेशन वाला, बिल्कुल ही आप ये ट्राई करो। और कभी भी आपका अगर ब्लश ज्यादा लग जाता है ना, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर में को कॉम्पैक्ट के अंदर डाल के, मतलब कि कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लेके उसको डैब डैब करोगे ना, तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है ना वो निकल आता है कहीं। फिर मैं क्या कर रही हूँ, पर्पल का मैं हाइलाइटर ले रही, स्पार्कल वाला, लेकिन इसमें स्पार्कल बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करता है। यू कैन सी मैं अपनी आईज के कॉर्नर में लगा रही हूँ, ब्राउ बोन में लगाया, फोरहेड में लगाया मैंने, चीक्स एपल ऑफ द चीक्स, मतलब पूरे फेस में लगाया, क्योंकि ये हाइलाइटर इतना सही है ना यार, और इसका शेड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे पसंद आता है यार, मतलब ये ऐसे हाइलाइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वेट एंड वाइल्ड से भी ज्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। इन साइड कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे लगाया, अच्छे से अपने बेस को सेट किया है, और लिप बाम मैंने लगाई थी, अप्लाई की थी। रेने कॉस्मेटिक की मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, बिल्कुल कोरल सा शेड है इसका, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं मामा अर्थ की लिपस्टिक लगाती हूँ, कैरमल न्यूट करके इसका शेड है मामा अर्थ की लिपस्टिक का, इसके ऊपर लगा करके मैंने जस्ट मिक्सअप किया। लॉरियल का लिया मैंने सीरम जरूर अप्लाई किया करो, जब भी आप अपने बाल को कर्ल्स कर रहे हो, स्ट्रेटन अप कर रहे हो, सो आपको क्या करना है, अपने बालों में सीरम जरूर लगाना है। आपके पास कोई भी सीरम अवेलेबल हो या आपको कोई भी पसंद हो, आप वो लगा सकते हो। मैंने लिया अपनी हैवल्स की चॉपस्टिक, बहुत अच्छी चॉपस्टिक है यार, मतलब 1.5-2-3 महीना पहले ली थी और काफी अच्छी है, मतलब नवरात्रि से पहले ली थी, बहुत अच्छी है। जब भी मन कुछ नहीं समझ में आता तो मैं तो बस कर्ल्स कर लेती हूँ, मतलब चॉपस्टिक से मैगी जैसे बाल करके चली जाती हूँ। अच्छा सर, वीडियो फुल की स्पीड में कर दी क्योंकि गाइस बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार। अच्छा, वीडियो पसंद कैसा लग रहा है, अच्छा ये वाला लुक कैसा लग रहा है कॉमेंट करो। ऐसा टाइप का लुक मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम ही किया है, और ड्रेस अर्बेनिक की है या फिर मिंत्रा की, क्योंकि यार अच्छे से याद नहीं है, बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह मंगाई हुई थी मैंने, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है। ज्वेलरी वगैरह सब रूबंस कंपनी की है और मिंत्रा से मैंने परचेस की थी, काफी अच्छी अच्छी हैं।
पहले मैंने क्या किया कि मैंने ये लगा लिया, ठीक है, एट द एंड मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये ओवर लग रहा है, तो मैंने फिर नहीं लगाया, फिर मैंने इसको हटा दिया वापस। अच्छा आप लोग है ना मुझे कोई लेंस सजेस्ट करो ना 1-1.5 साल वाले, क्योंकि यार मैंने एक दिन वाले लिए थे लेकिन उस पर क्या तो वीडियो बनाया यार, वो अपलोड करूंगी मैं भी, वो वाला भी। चोकर सा ये था कुछ चैन टाइप का, मतलब रूबंस कंपनी का, ये भी मैंने पहन लिया, जावेरी या रूबंस का ही था आई थिंक, बहुत अच्छा था। ओके यही था मेरा आज का वीडियो, मैंने हाथ में ब्रेसलेट भी पहन लिया है, इयररिंग भी पहन ली है, वो आप पता नहीं क्लिप मिस हो गई आई थिंक। ओके गाइज मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।